हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। प्लीज मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना। मेरी शक्ल में 12 बजे हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत गंदे वाले छाले हैं, बहुत ज़्यादा गंदे वाले छाले उग रखे हैं यहाँ पे। तो देखो देखो, आई नो ये बहुत गंदा था, बट फिर भी बहुत गंदे वाले छाले उग रखे हैं। मेरे से बोलते नहीं बन रहा है यार। और मुझे कल जाना है एक इवेंट में, जहाँ पे मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट जाना है और मुझे कई सारी नू मॉडल्स को तैयार करना है। मैं एक साथ इतनी मॉडल्स तैयार करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा यू नो एक्साइटिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी हूँ एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं यू नो कहीं बाहर जाके मॉडल्स को तैयार करूँगी। लेट्स सी कैसा होता है। एंड अभी मुझे करनी है पैकिंग, मुझे क्या क्या लेकर जाना है। मेकअप का पूरा सामान मेरा ही रहेगा, तो मुझे अच्छे से अभी पैकिंग करनी होगी। मुझे देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना, तो बस उसी की पैकिंग करते हैं। ये है बैग जिसमें मुझे अपना पूरा जो मेकअप का सामान है वो रखना है। मेकअप वैनिटी जिसमें मैं मेकअप रखने वाली हूँ। पाउचेस ले लेती हूँ क्योंकि पाउचेस लगते ही रहते हैं, तो एक हिवाला ले लेती हूँ। और इसमें पाउच हैं क्या? इसमें तो नहीं है, दूसरे में देखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा डिटॉल का पक्का से, ये तो रखना ही पड़ेगा मुझे, ये रखूँगी मैं। फाउंडेशन के लिए मैं रख रही हूँ ये वाला फाउंडेशन, हाँ, और मैं ये वाला फाउंडेशन रख रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, ठीक है। तो इससे क्या होगा पता, मैं इसको क्यों रख रही हूँ कि अब देखो मैं बहुत सारे फाउंडेशन तो ले जा नहीं सकती है ना, तो अगर जब भी यू नो किसी की स्किन जो है वो थोड़ा डस्की हुई, तो इन दोनों को मिक्स करके एंड फिर अप्लाई करूँगी। एंड किसी की स्किन अगर फेयर हुई तो फेयर में तो यही अप्लाई करूँगी, है ना। मतलब इसका एक एक यू नो एक एक ड्रॉप डालते जाना है, जैसे 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 हम डीपर टोन में जाते जाएंगे वैसे वैसे एक एक ड्रॉप, वैसे वैसे इसकी एक ड्रॉप डालते जाएंगे। सो ये फॉर कंसीलर, कंसीलर के लिए तो दिस इज द बेस्ट कंसीलर। तो एक मैं ये यूरोप गर्ल का रख रही हूँ और एक रखूँगी मैं अपना ये वाला, ठीक है, लॉरियल पैरिस का, और एक ये 52 का ये पैलेट रख रही हूँ। प्राइमर के लिए सोच रही हूँ लोटस का रख लूँ और डर्माको का, ये दोनों रख लेती हूँ। ये रख लो, ये 14 है, ये 8 है और 3 लिप लाइन। सारी बॉटल वाले प्रोडक्ट्स दो इसमें, मैं वीडियो बना ली। गाइज गुड मॉर्निंग एंड इट्स द नेक्स्ट डे। एंड अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। कल रात में मैंने सब कुछ पैकिंग कर लिया था, मेकअप वगैरह सब कुछ अच्छे से रख लिया था। एंड अभी मैं नहा कर आई हूँ, थोड़ा सा तैयार होंगी, मतलब थोड़ा सा बस मेकअप वेकअप करूँगी, दैट्स इट। ये है मेरा टॉप एंड ये है मेरा बॉटम वेयर, अब यहाँ से दिखा देती हूँ आपको। सो मैंने ये अभी वेयर किया हुआ है एंड थोड़ा सा बस मैं मेकअप करूँगी थोड़ा सा, एंड फिर हम लोग जाएंगे। और नाई नाई करने के बाद कोको कुछ इस तरीके की हरकत करता है, देखो। हाय कोको, हाय, देखो 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 देखो, हेलो, इधर देखो, इधर देखो ना कोको, कोको। अभी मैं ये वाला बैग लेकर जाऊंगी, तो इसमें मैं अपना सारा सामान जो है वो ट्रांसफर करूंगी, क्योंकि मैं बेसिकली ये वाला बैग लेती हूँ। वाली लाइट बंद कर दूँ, तो सारा इसका सामान मैं इस पर ट्रांसफर कर रही हूँ। दीदी कहाँ है?
दीदी ना कहाँ गई? है कहाँ तो? ऊपर है। आपकी नेल्स तो अच्छी लग रही है। दीदी कहाँ आ रही? आपने फोन में ले लेना, कहने का मतलब दोस्ती बनाना। अरे यार आप मॉडलिंग करती हो, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऐसे करके क्या कर रही हो? अपना बना रही हो ना आपका? अरे ऐसे बोलो ना। हम वहाँ पर ग्रुप बनाने जा रहे हैं कि हम कल को जब 150 लोगों की पार्टी में जाके मेकअप करेंगे तो कैसे करेंगे? हाय मैम। अरे वो मेरी बहन है। हो गया, देख तू सब मिल गया। हाँ ठीक है, एक ही साइज दियो ना शुरू का। हाँ वो ठीक है। मास्क ले लेंगे क्या यार? मेरे बच्चे यार नजर उतार के तुम लोग। थैंक यू। कसम से मैं खुद से दिमाग लगाना। मैंने कल नया कैमरा लिया। कौन सा? ओहो सोनी का काम रहेगा ना, तो इसलिए फिर मैं सोची ठीक है फोन अपना जिंदाबाद फोन से बनाएंगे। सुनो आप लोग को अपना जो काम है मतलब कि आगे बैठेगा ना। मैम इनको बोल दो ना थोड़ा सा, डॉली दीदी को। पूजा इसका फोन रखा, आयुषी का फोन रखा है, बेलजारी को उठा नहीं रखा है फोन। सामने है किसके? वही तो रखा है सामने। अरे यार तुम दोनों इतना सारा ताम धाम तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सम्राट होटल, सम्राट प्राइड होटल। प्राइड होटल में, ये एक प्राइड होटल के जस्ट बाजू में है रिंचा का टैलेंट एंड डांस अकेडमी। ओके एंड शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस फैशन शो। हमारे पास हमारी फर्स्ट मॉडल तैयार है एंड वी आर गोइंग टू प्राइड होटल। वी हैव बुक्ड अ व्हाट अ रूम, वहाँ पर सारे के सारे मॉडल्स तैयार होंगे। वी कीप अपडेटिंग यू। शी इज़ आवर फर्स्ट मॉडल। ओके चलिए सर, चलिए तो यहाँ से हमने शुरू किया मेकअप। सबसे पहले ना मैंने अपने पूरे मेकअप प्रोडक्ट को अच्छे से सेट कर लिया था। फिर दीदी ने, फर्स्ट मॉडल का दीदी ने आई मेकअप किया, बहुत ही प्रिटी थी वो, खुद बहुत ही प्रिटी थी और उनका आई मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हुआ था। अर्पिता दीदी सच में आपने बहुत प्यारा आई मेकअप किया हुआ था इनका। एंड हाँ, और मैंने फिर इनका बेस मेकअप किया था एंड सच में गाइस बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। ये जो राउंड था ना इसमें 10 मिसेस थी, उनको हमें रेडी करना था एंड उनका फिर एक कंपटीशन था। इस राउंड में सब लोग ने ब्लैक पहना हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेकअप करना था। तो दीदी ने इनका आई मेकअप थोड़ा सा ब्लैक स्मोकी आईज़ किया हल्का, और फिर उसमें ये शिमर किया गोल्डन, और आई थिंक रोज़ गोल्ड इन्हें शिमर किया था। एंड फिर इसके बाद सेकेंड मॉडल के लिए
मैंने पूरा मेकअप किया था। इनका जो सेकेंड आउटफिट था वो ग्रीन था, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना था कि वो ब्लैक के साथ भी जाए और फिर जो इनका सेकेंड आउटफिट है ग्रीन उसके साथ भी जाए। तो मैंने ग्रीन और ब्लैक का स्मोकी आइज़ किया हुआ था बस। और ये थर्ड जो मॉडल थी हमारी, उनका जो आउटफिट था वो हल्का पिंक, आई थिंक महोगनी कहते हैं जिसको, वो वाला कलर था, रानी कलर का था, सॉरी वाइन कलर का था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनका आई मेकअप किया और फिर बेस मेकअप किया। हम वर्क कर रहे थे एज अ टीम और लोगों ने इनके हेयर स्टाइल्स किए। हेयर स्टाइल बहुत प्रिटी प्रिटी हुए थे सबके। गाइस ये मेरा फर्स्ट इवेंट था और मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगा एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने बहुत बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। दीदी अर्पिता दीदी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी ऐसे ही आपके साथ काम करना चाहूँगी। अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो ना, थैंक यू सो मच। एट दिस पॉइंट हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे ना कि बस लग रहा था कुछ खाने मिल जाए, बट हम लोग कुछ खाने मिला नहीं वैसे। वैसे मेकअप को लेके बड़ी बुरी आती हूँ। नॉट फोटो, इट्स अ वीडियो। याद करो जमुना के नारी, थोड़ी थी राधा की कोई नगरिया, इसने कलेजा रख चाकू की our makeup partner for first round of Mrs. Fashionista 2023 Madhya Pradesh. सामाजिक समरसता भी अपना काम करती है। ऐसे इवेंट्स बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे फ्रेंड्स को। Oh,
नहीं करने ने सेकंड राउंड के लिए सबको थोड़ा सा टचअप किया है और कुछ डिफरेंट लुक दिया है। अब हम जा रहे हैं और ये लड़की बहुत परेशान होती है बार बार सामान लाना और ले जाना है ना। चलो सिट यू गाइज़। मेरे फ़ोन की बैटरी भी एकदम डेड हो चुकी थी एंड मैं भी एकदम डेड हो चुकी थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं रुके और मेरे पैर में भी लगी हुई थी एंड सो बस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।